इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है। कुछ अफवाहें फैली थी लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम दो कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। ऐसा यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ है तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण के साथ ही एक्शन मोड में है, फुल एक्शन में है। किस तरीके से उन्होंने अपराधियों को चिताया है और कहा है कि पुलिसिंग कैसे बेहतर करनी है और साथ ही तमाम चीज़ों को देखना कैसे है। पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। सबसे पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से फुल एक्शन में है नए डीजीपी विनय कुमार। क्योंकि पुलिस का कार्य कानून में परिभाषित है, जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम परिनियम अधिनियम हैं सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्भेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा। जो भी गंभीर कांड है जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पे लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो पहले हम लोग ईडी के माध्यम से कराते थे, अब पुलिस जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 में हमें सख्ती थी, अब बीएनएसएस में उसको और विस्तारित किया गया है और उसमें प्रबलता प्रखरता लाई गई। उसका हम लोग प्रयोग करेंगे भरपूर ढंग से और उसका तुरंत हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके बाद जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद फिर जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारा डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे और वो संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों? इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं। इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। अनुसंधान का जो तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेज है वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी या गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा में 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी आईओ इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफ़ी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है और इसके लिए एक काफ़ी संजीदगी के साथ, काफ़ी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ है। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, कई फेजेज़ में हुआ था, 4 या 5 फेजेज़ में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा वो किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। जी साहब, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है। देखिए, साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले सीसीएसएमयू हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था। अब सीसीएसएमयू को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिएगा, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशंस। उसके लिए जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिज़ाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशंस के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उसके एसएचओ हैं और साइबर थाने को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है, जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सब 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ है तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफ़ी संजीदगी के साथ लेगा। मनोबल तभी बढ़ेगा जब अपराधी का मनोबल गिरेगा, अपराधी का मनोबल गिरेगा जब अपराधी पर पुलिस भारी पड़ेगी। भारी तब पड़ेगी जब विजिबिलिटी रहेगी, केस का अनुसंधान रिकॉर्ड टाइम में होगा, चार्जशीट समर्पित होगा रिकॉर्ड टाइम में, जो भी टाइम निर्धारित है उसमें, और हम लोग उसको सजा करा करके जेल के अंदर संसीमित करने में सक्षम हो पाएंगे। बिहार की जनता सर क्या अपील करेंगे न्यायाधीश बने? बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है, वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है। हम घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ कोई चीज हम सीज करते हैं तो उसमें जो विटनेस बनता है पुलिस नहीं रहता, पब्लिक रहता है। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को हम लोग लेते हैं, हम गवाही लेते हैं, जनता की गवाही लेते हैं कि आपने क्या देखा, जनता फिर जाती है कोर्ट में गवाही देती है। तो एक पुलिस आइसोलेशन में नहीं काम करती है, पुलिस और पब्लिक का एक जो मिश्रण है वो जब कारगर ढंग से काम करेगी तभी हो सकता है। पुलिस पूरी सख्त है और जनता हॉस्टाइल हो रही है, कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दे रही, तो सजा ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए ये पुलिस की जो अवधारणा है, जैसे इंग्लैंड में भी कहा गया है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, माने दोनों में कोई भेद नहीं है। पुलिस को भी जो पावर है वो जनता को भी पावर है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही जो आप मुठभेड़ कह रहे हैं वो क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। हम पे क्रिमिनल गोली चलाया, हम भी गोली चलाया, जनता को भी प्राइवेट डिफेंस है। आपको भी कोई गोली चलाएगा, आप भी गोली चला सकते हैं। तो जो भी पावर्स पुलिस को है वो मोटा मोटी उन शक्तियों का प्रयोग जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसको पुलिस को सूचित करना है। हम अरेस्ट करके थाना के हाजत में सीधे ले आते हैं, हमको किसी को हैंडओवर नहीं करना है, लेकिन जनता को भी अरेस्ट का पावर है। किसी क्रिमिनल को जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसका नियम है कि आपको पुलिस को सूचित करना है। तो जो भी पुलिस को पावर्स है, हमारे पास हथियार है, आपके पास भी हथियार, आप लाइसेंस है, हथियार लेकर के आप हथियार रख सकते हैं। तो जितने प्रावधान पुलिस के लिए किए गए हैं वो जनता के लिए, उन सभी प्रावधानों को रखा गया है कानून में। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके और अपराधियों के खिलाफ जिहाद छेड़ें। जनता यदि सीधे बैठी रहेगी और सोचेगी पुलिस आकर के गश्ती भी करे, अनुसंधान भी करे, सजा भी दिला दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे, हम सीजर लिस्ट बनाने के लिए पुलिस जब आती है वहाँ से भाग जाएंगे, हम सीजर लिस्ट पे हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे, हम गवाही नहीं देंगे, हम विटनेस नहीं बनेंगे, तो ये पूरी व्यवस्था नहीं चल सकती है। सर एक सवाल सर कि बहुत सारे इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप आत्मरक्षार्थ गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते हो, वो भी घायल होते हैं। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिया। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिजाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर, हम लोग भी काफ़ी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया कि इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफ़ी उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सर एक सवाल है कि आपकी पुलिस जो है कोई उतना डायरेक्ट उतना संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, लेकिन कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। कन्विक्शन का जो रेट है डिपेंड करेगा कि आपके गवाह कितने मजबूत है, गवाह कितने निर्भीकता के साथ गवाही दे पाते हैं, हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो न्यायालय में कितनी शक्ति के साथ अपना एविडेंस दे पा रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं वो कोर्ट के द्वारा ग्राह्य है या नहीं है, एडमिसिबल है या नहीं है। तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए अनुसंधान को काफी गुणात्मक, अनुसंधान में गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे पास 2013 में सिर्फ पटना में ही एक FSL था, आज के डेट में 3 FSL फंक्शनल, 4 फंक्शनल, राजगीर भी फंक्शनल है, और 9 और रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन निर्मित हो गए हैं। उपकरण के क्रय की प्रक्रिया अभी जारी है और 1 साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रत्येक पुलिस क्षेत्र में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हो जाएगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हम कांडों को जब न्यायालय में ले जाएंगे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कन्विक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ेगी। तो आपने वीडियो में देखा और सुना भी कि कैसे नए डीजीपी विनय कुमार जो है, इवनिंग पेट्रोलिंग हो, नाइट पेट्रोलिंग हो, या फिर पेपर लीक का मामला हो, एनकाउंटर का मामला हो, अपराधियों का मनोबल कैसे तोड़ना है, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि आज बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार जो है अपना पदभार ग्रहण किए हैं। आईपीएस ऑफिसर आलोक राज जो है उनको पदभार ग्रहण करवाया, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और पदभार ग्रहण करते के साथ ही डीजीपी फुल एक्शन मोड में है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।